13 सवाल लिखो है मैंने इसमें इंग्लिश में लिखे हैं आपको हिंदी में पढ़ के तुरंत बता देता हूं राइट वेरी वेरी क्विकली नंबर वन और बाय द वे ये शीट सिर्फ ऐसी नहीं है आप जब डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर आपसे हेल्थ चेकअप करवाता है ना ये आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप है आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हो आपको किसी बहुत बड़े ज्ञानी या बहुत बड़े यू नो बिजनेस कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है बाय द वे जस्ट टू लेट यू नो एंड बाय द वे अगर यही कोई बहुत बड़ी टॉप फोर कंसल्टिंग फॉर्म आके कर रही होती है आपके साथ आप सिर्फ यही फॉर्म भरने का कम से कम 5 लाख रुपए दे रहे हो आई एम नॉट किडिंग यू दैट्स व्हाट केपीएमजी एंड डेलॉयट डू राइट बट एनीवेज पहला सवाल Your employees, customers and partners have a clear understanding of your business. आप 0 से 10 के बीच में अपने आप को स्कोर देंगे अभी नहीं इस सेशन के बाद सोच के देना तसल्ली से देना इंटरनलाइज करना पूछना अपने आप से क्या मेरे कस्टमर्स पार्टनर्स और एम्प्लॉइज मेरे बिजनेस को अच्छे से समझते हैं जैसा मैं समझता हूं अगर नहीं समझते सेल्स बढ़ेंगे नहीं यह साफ सी बात है इनको लगता है मेरा जूता सबसे अच्छा है कस्टमर को लगता है नहीं है भाई मेरे पास और ऑप्शन है सेल्स बढ़ी सकती है इम्पॉसिबल राइट 0 से 10 के बीच में स्कोर 10 हाईएस्ट है 0 लोएस्ट है एक बात प्लीज मेरी मान जाइए अपने आप को अच्छे से स्पष्ट मत देना जरूरत है डोंट फील गुड अबाउट योर ओन सेल्फ दैट डजंट वर्क बी रूथलेस अगर आपको लगता है 5 देने अपने आप को 3 नंबर दो फिर टोटल करना ठीक है नंबर दो You have a clearly defined AOP. AOP का मतलब होता है annual operating plan. एक साल का मेरा operational plan क्या है? ये हर एक के पास होना चाहिए. राजेश सर ने जब राजेश सर you know introduction दे रहे थे, इन्होंने एक word use किया था COVID. अब आपने देखा मैं कितने intently सुनता हूँ. मुझे नहीं पता आपने कितने लोगों ने उस time ये चीज note की होगी, but इन्होंने कहा, इन्होंने जबकि नेपाली में speech थी, मैं फिर भी बहुत intently सुन रहा था. इन्होंने कहा कोविड के दौरान ये ऐसे ऐसे हुआ था कि बिजनेस नीचे गया अब कोविड को मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आप भी नहीं कर सकते आपके एनुअल ऑपरेटिंग प्लान में ऐसे ऐसे भी मोमेंट्स होंगे जो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे विच इज फाइन लेकिन जो चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो वो लिखो अपने एनुअल ऑपरेटिंग प्लान में आपके पास होना चाहिए आपकी टीम्स के पास होना चाहिए मेरा एनुअल ऑपरेटिंग प्लान ये है इसका मतलब ये होता है मैं इतना प्रोडक्शन आज कर रहा हूं अगर एक और बेटर मशीन इंस्टॉल कर दूंगा तो मेरा प्रोडक्शन बाय एक्स फैक्टर बढ़ जाएगा एक रुपये आपके बिजनेस में 1x हो सकता है आपके बिजनेस में 10x हो सकता है एनुअल ऑपरेटिंग प्लान अगर आपके पास नहीं है तो कृपया करके बनाइए प्लीज बनाइए यहां टाइगर रिजॉर्ट पर बैठिए यहां पर अपनी टीम को साथ में बैठाइए और एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाइए एनुअल ऑपरेटिंग प्लान आपके लिए जैसे आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर आपसे हेल्थ चेकअप कराते हैं या आपका हेल्थ चेकअप है एनुअल ऑपरेटिंग प्लान अगर नहीं है तो पता क्या है आप अपनी पूरी टीम को पूरी एनर्जी के साथ मोटिवेट कर रहे हो तभी मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत होती है और मैं वही कहता हूं मैं नहीं हूं क्योंकि वो मोटिवेट तो खूब कर देंगे बाद में इंसान को नहीं जैसे ये दरवाजा अगर पीछे वाला खुल जाए तो खुला गार्डन है अब सारे अलग अलग दृष्टि में दौड़े सब कह रहे हाँ अरे हॉस्टल बता दिया हॉस्टल बता दिया हॉस्टल भागो सारे भाग रहे आपको भी खुशी लग रही है मेरे एम्प्लॉइज भाग रहे कहां भाग रहे हैं क्या कर रहे हैं किसके पीछे भाग रहे वॉट प्लान और इसमें सिर्फ बड़े बड़े गोल्स नहीं लिखने एनुअल ऑपरेटिंग प्लान का मतलब सिर्फ गोल सेटिंग नहीं होता कि बड़े गोल सेट करो हम 200 करोड़ का बिजनेस करें हम 500 करोड़ का टर्नओवर करें प्लान है प्लान का मतलब अगर करेंगे तो कैसे करेंगे कौन उसको हेड करेगा केपीआई क्या होगा केआरएस क्या होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे एनीवेज क्वेश्चन नंबर 3 You have clearly defined systems and processes for everything in your business. Everything in your business. अगर आपके business में हर एक चलता हुआ process system की तरह defined नहीं है, तो अपने आपको 2 ही number देना. और अगर है, तो आपको बधाई. Congratulations. Got it? Number 4. Every employee in your company knows their one KPI. मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा पहले. बट मैं प्रीटी मच गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस रूम में बैठे शायद 150 लोगों में से 5 ऐसे लोग होंगे जिनकी कंपनी में हर एम्प्लॉई को अपना 1 KPI पता होगा मैं इंडिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को एडवाइस कर चुका हूं मेंटर कर चुका हूं जहां पे वो सबसे पहले आपके हाँ पाते सर हमारे KPIs बने हुए हैं KPIs नहीं हो सकते KPI होता है जैसे जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि मैं अपने देश भारत देश के युवाओं के कितने साल बचाना चाहता हूं 1000 साल एक नंबर एक केपीआई
मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी बड़ी बातें नहीं कही दस, मैंने ये नहीं बोला मैं ये भी करना चाहता हूँ वो भी करना चाहता हूँ, आई सेड मैं अपने देश के युवाओं के 1000 साल बचाना चाहता हूं मरने से पहले। 1 KPI अगर आप लोगों के पास भी अपना 1 KPI नहीं है तो आप एकदम गलत रह चले जा रहे हैं। 1 KPI मतलब 1 नंबर, ओनली 1 नंबर। आपको इसे एग्जाम्पल देता हूं, लास्ट ईयर मेरे पास हैदराबाद की एक स्टार्टअप आई, दो फाउंडर्स बड़े अच्छे फाउंडर्स हैं, दे आर वेरी मीनिंगफुल एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और अच्छे लोग हैं, अच्छे इंटेंट के लोग हैं, जैसे राज सर अपने कृष्णा भाई दोनों आए कहते पारी तो सर यार हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हमारी एम्बुलेंस की ना सर्विस बिक भी नहीं है, वी वेट स्टक समवेयर, कहां स्टक है हमें भी नहीं पता लग रहा। तो मैंने उनसे कॉफी में बुलाया दिल्ली में, ऐसे कह रहा हूँ एक काम करो प्लीज मुझे अपना ना KPI शीट दिखाओ। तो उन्होंने दिखाए 8 नंबर, कहते हम इन सारे 8 नंबर को फॉलो कर रहे हैं और जनरली हम इंडिया में जैसे हमारा एक एक्सप्रेशन है वो माथा पीट लेना, मैंने वहीं पे उनके सामने माथा पीटा, ऐसे कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, 8 नंबर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकते, आपको 1 ही नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। अगर आपका एम्बुलेंस का बिजनेस होता तो आप किस नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते, मैं पूछता हूं आपको, आपको एम्बुलेंस पहुंचानी है कस्टमर तक जल्दी से जल्दी, क्या नंबर बढ़ाओगे? टाइम टू रीच ओके, कुछ और सोचो, सोचो दिमाग लगाओ, नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस, नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस, आप दोनों काफी काफी क्लोज हो, मतलब यू वेरी वेरी क्लोज, क्या यहां पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, होटल इंडस्ट्री से, सर्विस होटल इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, आप लोग जब होटल चलाते हो आप नंबर ऑफ क्या रूम नाइट्स, नंबर ऑफ रूम नाइट्स के लिए प्ले करते हो ना, क्या मेरे होटल में, मैं जब आपसे पूछूंगा आपके होटल की बुकिंग कितनी है, आप बोलोगे भाई नंबर ऑफ रूम नाइट्स 1 नंबर। वैसे ही एम्बुलेंस बिजनेस, नंबर ऑफ कॉल्स कमिंग इन टू बुक एन एम्बुलेंस, उसके लिए उसको बढ़ाना है यार, अगर वो बढ़ा दिया रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगा और कम कॉस्ट में अगर वो बढ़ा दिया तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बन गया बिजनेस। आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड, जब मैंने उनके 8 नंबर्स को खत्म करके सिर्फ 1 नंबर के पीछे दौड़ाना शुरू किया, विद इन 1 ईयर आप लोग गूगल कर सकते हैं, इनकी कंपनी का नाम है 10TEN टोटल इमरजेंसी नेटवर्क, विद इन 1 ईयर इन्होंने एंजल फंडिंग रेज कर ली है 2 करोड़ रुपए की हैदराबाद से, विद इन 1 ईयर इन लोगों ने 4 नए शहरों में एक्सपैंड कर लिया है, एंड विद इन 1 ईयर दिल्ली जैसे शहर से अच्छा, ऑफकोर्स प्राइवेट कंपनी है, मैं इतने नंबर से बिल नहीं कर सकता, अच्छा खासा रेवेन्यू कर रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग, 8 नंबर से जगह 1 नंबर, 1 KPI, ये ताकत है इस शीट की। मैं सिर्फ अगर अगले 6 घंटे तक आपसे ये शीट ही भरवाता रह गया, आई एम टेलिंग यू आपको बिजनेस बन जाए, दिस इज दैट पावरफुल, सो बी वेरी ऑनेस्ट, अपने लिए ऑनेस्ट हो जाओ, मेरे लिए मत हो, सिर्फ ये शीट। ओके नेक्स्ट, यू हैव फाइनेंशियल गवर्नेंस सिस्टम्स इन प्लेस दैट लुक एट कैश फ्लो बजट्स पीएनएल डेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, देखो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी नहीं आती, हो सकता है आपको पीएनएल पढ़ना ना आता हो, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आपके पास हो, आपके पास डेट कितना है, आपके पास लॉन्ग टर्म डेट नहीं होता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने क्या की हुई आपको ना पता, तो एक काम करो प्लीज, कोई भी अच्छा अकाउंटेंट हायर कर लो, आपको सीए भी हायर करने की जरूरत नहीं, एक अच्छा अकाउंटेंट जो कम से कम पिछले 10 साल से एक्सपीरियंस हो, अकाउंटेंट को सबसे पहले बोलना मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दे, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर और अकाउंटेंट आपको पक्का बोलेगा सर ये बेकार है कैश फ्लो वैश्लो छोड़ो, आप पीएनएल बनाओ, आप पीएनएल स्टेटमेंट में सर सब पता लगे, बोलो कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग चाहिए मुझे, पीएनएल अलग चाहिए, मुझे दोनों दिखाइए, और फिर देखो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना शुरू करोगे आपके आंखें खुल जाएंगे, अपने बिजनेस के लिए आपकी आंखें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, पैसे का आना जाना, पैसे का लेन देन, एक्टिव लेन देन, पीएनएल में एक्टिव लेन देन नहीं दिखता, पीएनएल में बड़े बड़े नंबर दिखते हैं, ओवर लार्जर पीरियड ऑफ टाइम नंबर दिखते हैं, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में रोज का गल्ले में कितना पैसा आया कितना गया रोज का दिखता है, प्लीज एक अकाउंटेंट हायर कर लीजिए, और अगर आप लोगों के पास एक्टिवली ऐसा नहीं है तो एक काम कीजिए आप एक एसोसिएशन बना लीजिए, जैसे आप एक इंडस्ट्री बॉडी हेड करते हैं एक एसोसिएशन बना लीजिए, वहां पे कुछ अकाउंटेंट्स को बिठाइए जो इस पूरे ग्रुप को सर्व कर पाए, लेकिन अकाउंटेंट्स को बोलिए मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग चाहिए, पीएनएल अलग चाहिए, मेरे डेट को कैलकुलेट करो और फिर मुझे अपनी कंपनी का पूरा चुका सकता हूँ, दिस विल मैजिकली हेल्प यू। अगर आपके पास ये नहीं है तो अपने आपको 0 मार्क्स दीजिएगा, आपके पास है तो प्लीज राइट 10। नंबर 6, यू हैव ऑल
policy is well drafted and communicated via your website. क्या आपकी वेबसाइट पे, आपके बिजनेस की वेबसाइट पे आपकी सारी पॉलिसीज, पॉलिसी क्या होती है कुछ भी, रिफंड पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल, क्या वो वेल ड्राफ्टेड है या नहीं है? एग्जाम्पल दो, अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट मान लीजिए आपने ऑर्डर किया और वो प्रोडक्ट गलत आ गया, रिफंड कितने दिनों में आते हैं? 7 डेज आई गेस, ऑलमोस्ट इंस्टेंट आ जाते हैं भारत में तो आते हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंट, मतलब अगर आपका रिफंड अटका भी होगा आप उनकी हेल्पलाइन पे जाओ, चैट पे फोन करने की जरूरत नहीं, चैट पे जाओ, पिक्चर चढ़ा दो उस प्रोडक्ट की, वो इंस्टेंटली रिफंड कर देते हैं। पता ही कैसे होता है? सिस्टम्स और प्रोसेसेस, क्योंकि वहां पे उनके जो कॉल सेंटर में बंदा बैठा हुआ है उसको बताया गया है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू अगर है इतने की वैल्यू, 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, 5000 रुपए का प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं रिफंड की। इट्स ऑलराइट। अब इससे क्या होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस गोज थ्रू द रूफ। सोचो मैं अमेज़न की बात 150 लोगों से कर रहा हूं बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपके बिजनेस की सारी पॉलिसीज क्या आपकी वेबसाइट पे जेन्युइनली है या नहीं? क्यों बोला नहीं है? अब आप कह सकते हो फायदा, इससे लिखने का फायदा क्या है? फालतू का एफर्ट है, फायदा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था, बिजनेस में क्या कंपाउंड होता है? ट्रस्ट। फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लव द फैक्ट दैट यू आर हियरिंग, राइट? ट्रस्ट कंपाउंड होता है। जब आप अपनी वेबसाइट पे सारी की सारी पॉलिसीज को पूरे ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करते हो ना, कस्टमर में ट्रस्ट पैदा होता है। सर ये मेरी रिफंड पॉलिसी है, ये मेरी एक्सपेंसिव जो भी व्हाटएवर पॉलिसीज आई हैव, कम से कम कस्टमर कभी आपको वापस आकर क्वेश्चन नहीं करेगा तूने मुझसे झूठ बोला नहीं, अरे मेरी पॉलिसीज है, प्लीज रीड देम, इट हेल्प्स। एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए आप इस चीज में, वेबसाइट पर लिखा लीजिए, बस दैट्स इट। एक शो ऑफ हैंड्स करें, कितने लोगों की वेबसाइट पर यहां पे यू नो पॉलिसीज ऑलरेडी पब्लिश है।